हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम लेकर आए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फिफ्थ टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का वीवीआई क्वेश्चंस, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सारे एनालिसिस किए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो क्लास 12 के स्टूडेंट्स प्लीज इसको मिस ना करें। उसके पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस को ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए, तो अभी करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास पहले से शुरू हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें, नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक, पाँचवा टॉपिक, अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, यानी कितने गुड्स को कितना कंजप्शन किया गया, कितना उपयोग किया गया है, वो बताने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है। पहला टॉपिक था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा टॉपिक था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, चौथा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, और पाँचवा टॉपिक आज बताने जा रहे हैं अमाउंट ऑफ कंजप्शन, यानी कितना गुड्स उपयोग किया गया। यह फॉर्मूला इसका है, यहाँ पर मैं लिखिएगा बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ जो गुड्स, जिस गुड्स का दिया है क्वेश्चंस में, उसका लिखिएगा गुड्स कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ये दो लाइन खींचिएगा। यहाँ होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट, ये कंज्यूम निकालना है हमको, एग्जामिनेशन में देगा। तो सबसे पहले बेटे यहाँ लिखिएगा, आप ऊपर में लिखिएगा अमाउंट पेड या परचेज, ऊपर में लिख दीजिएगा अमाउंट पेड या परचेज लिखिएगा ऊपर में। इसके बाद तीन आइटम प्लस करते हैं और तीन आइटम माइनस, ध्यान में रखिएगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक, किसी भी गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस। इसके बाद ओपनिंग एडवांस, अगर एडवांस आइटम होगा तो इसका ओपनिंग प्लस होता है और एडवांस का क्लोजिंग क्या होता है, माइनस। यहाँ लिखिएगा क्लोजिंग एडवांस माइनस। इसके बाद क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होता है और ओपनिंग क्रेडिटर क्या होता है, माइनस। ये आप माइंड में याद कर लीजिए। आप ये यहाँ लिखिएगा अमाउंट ऑफ जो भी होगा गुड्स कंज्यूम्ड ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका रहेगा, बस याद कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस, लेकिन क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, ये आपके माइंड में रहेगा। तो ये कंजप्शन का जितना क्वेश्चन होगा आराम से बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ दिया है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, किसका निकालना है, कंजप्शन मेडिसिन का। तो ऊपर में लिखिएगा कंपटीशन ऑफ, यहाँ लिखिएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड, क्या लिखिएगा, मेडिसिन कंज्यूम्ड। अब क्वेश्चन देखिए, आप दिया है, सबसे पहले यहाँ देखिए कि अमाउंट पेड है कि परचेज है, ध्यान दीजिएगा, पेड है कि परचेज है। तो यहाँ दिया है अमाउंट पेड, नीचे में दिया है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 679,000, यहाँ लिखिएगा अमाउंट पेड 679,000, बाहर में लिखिएगा पेड है। इसके बाद देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 18 मीन्स बिगिनिंग या ओपनिंग
और 31 मार्च 2019 मतलब क्या इंड, तो यह स्टॉक बिगिनिंग इन ओपनिंग स्टॉक 90,000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,24,000, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है यहाँ लिखिए 90,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,24,000 क्या है माइनस हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर ये है ओपनिंग, ये क्या है क्लोजिंग, तो क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस होता है ये प्लस होगा, देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर 2,04,000 प्लस होगा और बिगिनिंग जो ओपनिंग है 2,40,000 क्या हो जाएगा क्रेडिटर माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 2,40,000। इस क्वेश्चन में एडवांस नहीं दिया है, एडवांस नहीं दिया है, अब दोनों को प्लस कीजिए आप 90,000 प्लस 2,04,000 294, इसमें इसको प्लस कीजिए 973 और इसमें से ये दोनों प्लस करके माइनस कर दीजिए 1,24,000 प्लस 2,40,000 3,64,000। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए ये 6,09,000, यहाँ लिखिएगा अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, क्या लिखिएगा अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस में अमाउंट पेड रहेगा, पेड अमाउंट पेड, तो ये तीनों प्लस ये तीनों माइनस, लेकिन जिस क्वेश्चन में परचेज दिया हो याद कीजिएगा, जिस क्वेश्चन में परचेज दिया हो तो उस क्वेश्चन में ये क्रेडिटर को यहाँ पे नहीं दिखाना है, क्रेडिटर को उसमें प्लस नहीं किया करना है, क्योंकि परचेज में ऑलरेडी क्रेडिटर इंक्लूड रहता है। तो जिस क्वेश्चन में अमाउंट पेड दिया रहेगा तीनों प्लस कीजिएगा तीनों माइनस कीजिएगा, और जिस क्वेश्चन में परचेज दिया हो उसमें क्रेडिटर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्रेडिटर ऑलरेडी परचेज में ऐड रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब वही है, ये अमाउंट, दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट मेडिसिन कंज्यूम्ड, तो पहले देखिए कि पेड दिया है कि परचेज दिया है, इस क्वेश्चन में मेडिसिन परचेज दिया है, मेडिसिन परचेज 7,80,700, यहाँ लिखिए मेडिसिन परचेज 7,80,700 मेडिसिन परचेज दिया है, देख लिया ना, अब परचेज दिया है यहाँ पे, तो क्रेडिटर इसमें नहीं जाएगा, क्रेडिटर को न प्लस किया जाएगा ना माइनस किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर ऑलरेडी परचेज में इंक्लूड रहता है। अब आइए इसमें स्टॉक है, देखिए ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है 1,75,750 और ये क्लोजिंग स्टॉक 1,44,650 क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब आप यह देखिए क्रेडिटर, अब इसमें क्रेडिटर नहीं जाएगा, क्रेडिटर को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि परचेज जब भी रहेगा तो उस समय क्रेडिटर को नहीं लिखा जाता है, बात ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाते समय। अब इसको केवल प्लस कर दीजिए 1,75,750 प्लस कर दीजिएगा 7,80,700 प्लस 1,75,750 62,56,450 और 1,44,650 का कर दीजिएगा माइनस, निकल जाएगा आ जाएगा 61,11,800, ये तुम्हारा अमाउंट ऑफ कंजप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लियर। अब आइए तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये चीज़ वही है, बस ध्यान में रखना है कि अमाउंट पेड दिया है कि अमाउंट परचेज दिया है, अगर अमाउंट पेड दिया है तो क्रेडिटर को प्लस माइनस किया जाएगा, अगर अमाउंट परचेज दिया है तो क्रेडिटर को इसमें हम नहीं शो करेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन में स्टेशनरी कंज्यूम्ड क्या निकालना है, यहाँ पर मेडिसिन की जगह क्या आ जाएगा स्टेशनरी, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यहाँ भी लिखिएगा मेडिसिन की जगह क्या लिखिएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। अब आइए क्वेश्चन देखिए,
स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है 18-19 का। सबसे पहले देखिए कि अमाउंट पेड दिया है कि परचेज दिया है। अमाउंट पेड दिया है 10,800। अमाउंट पेड दिया है 10,800 पेड दिया है, यानी क्रेडिटर को प्लस और माइनस किया जाएगा। अब देखिए 18-19 का दिया है तो 18 का जो देगा ओपनिंग और 19 का जो देगा वो इंड हो जाएगा। तो ये देखिए स्टॉक 18 मतलब क्या ओपनिंग स्टॉक 3,000 क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस यहाँ लिखिए 3,000। आगे आइए सेकंड क्रेडिटर 18 ओपनिंग 18 मतलब क्या ओपनिंग 2,000 तो ये ओपनिंग क्रेडिटर क्या होता है माइनस 2,000 यहाँ लिखिएगा 2,000। क्रेडिटर में उल्टा होता है क्लोजिंग प्लस होता है ओपनिंग माइनस। आगे एडवांस ओपनिंग 200 एडवांस ओपनिंग क्या होता है प्लस 18 मतलब ओपनिंग। अब देखिए 3,019 का दिया है 19 मतलब क्या इंड क्लोजिंग तो क्रेडिटर क्लोजिंग प्लस होता है 1,300 फिर स्टॉक क्लोजिंग 500 माइनस होता है और एडवांस क्लोजिंग 300 क्या होता है माइनस। अब आप इसको तीनों को प्लस कीजिए 3,000 200 और 1,300 4,500 प्लस कीजिए आप 10,800 प्लस कीजिए उसमें से 15,300। अब ये तीनों प्लस करके इसमें से माइनस कर दीजिए 2,800 माइनस कीजिए इसमें से ये अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कितना आ गया 12,500। इस प्रकार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पांचों टॉपिक जो परीक्षा में आता है आप लोगों के पांचों टॉपिक बढ़िया से आपको बताया गया है। बढ़िया से अगर आप बनाइएगा घर पे तो पांचों टॉपिक आराम से परीक्षा में बना लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है 99% मेरी गारंटी है। ये जो भी टॉपिक पांचों हमने बताया है एग्जामिनेशन से फालतू नहीं आएगा, आप बनाइए उसको क्वेश्चंस को। इसके बाद हम पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो गया, अब हम दूसरा चैप्टर का अगले पार्ट में जारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।